हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पीडीएफ फाइल कैसे ऐड करते हैं और बहुत ही आसान से स्टेप्स में समझेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर इससे पहले भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर चुका हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि पीडीएफ फाइल हमने सेव कहाँ कर रखी है। तो ये देखिए, हमने डेस्कटॉप पर सेव कर रखी है। इसको यहाँ से मिनिमाइज करते हैं और ये है हमारी पीडीएफ फाइल। इस फाइल को हम यहाँ एक्सेल की जो एक्सेल शीट है ये ओपन है, यहाँ पर ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमको जाना है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ ऊपर के रिबन में इंसर्ट टैब में, ये रहा इंसर्ट टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। राइट साइड में चलिए और यहाँ देखिए, ये है टेक्स्ट का एक यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए। तो जब आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिलता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, दिख रहा, बस इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने ऑब्जेक्ट का एक विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, क्रिएट क्रिएट न्यू और क्रिएट फ्रॉम फाइल। तो हमें क्लिक करना है क्रिएट फ्रॉम फाइल और यहाँ से ब्राउज बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो बस जब आप ब्राउज बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपकी फाइल पूछेगा। तो क्योंकि हमने डेस्कटॉप पर सेव कर रखी तो हम डेस्कटॉप सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद अपनी फाइल यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने पीडीएफ यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे इंसर्ट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पीडीएफ फाइल ऐड हो चुकी है। अब यहाँ से ओके पे क्लिक करते ही हमारी पीडीएफ फाइल यहाँ एक्सेल शीट पर आ जाएगी। तो देखिए, हमने ओके पे क्लिक कर दिया और ये हमारी पीडीएफ फाइल यहाँ पर आ गई है, ठीक है।